प्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज अभी उठ रहा हूँ मैं 8 बजे, क्योंकि आज हलने जाना था। आज है पितरौस, पितरौस के दिन हलने लगाते हैं, और इसलिए मैं आज लेट उठा। और दोस्तों चलते हैं बाहर। अरे गुन्नू, है ये सिमोरी खा देना ये। अच्छा खगा, हेलो। ते का आधा ना था मात खगा। चाय घर बना रखी होगी घर वालों ने। तो दोस्तों मैं अभी उठ रहा हूँ, और हम मेरी चाची नाश्ता करने बैठ गई। क्या अच्छा मैं स्कूल के लिए नहीं कहा छुट्टी नहीं तो मैं ना, अन्नी दी कर रहा है छुट्टी हुई ना पितरों से, तो छुट्टी रहनी स्कूलों का। तुम्हें अच्छे हैं चा? तो आप गुरु जी फोन करा दी, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज तुम गुरु जी किले बंद हुए, खराब हुए फोन जा खराब हुए। अच्छा तो शिवानी माए पूछो थे शिवनी माँ वही जीवा क्या स्कूल है क्या चाहे अध्यक्ष कौन है फोन स्टेल दिया हुए खाने खाने की दी खुटे गए आगे ना ऑफिस ना ऑफिस खड़ा कर रहा एक को खे चढ़े हो ले कुछ नहीं भैया ए तुम भी खिलाए बोन बिना जाना लो लोड तो लोड है जो चाहे नमक तो नमक ही है सो क्या था हाँ तो दूसरा लोड। तो दोस्तों पैर में जूते डाले और हाथ में दरांती लिए, बिना खाए पिए हम निकल दिए खेत की तरफ। खेत से आने के बाद हम नाश्ता तब करेंगे, मेरी माता श्री बनाएगी, क्योंकि सुबह ही खेत चले खेत सुबह ही खेत जा चुके हैं, इसलिए नाश्ता भी नहीं बनाया अभी, पहले खेत जा के आते हैं। और भाई जिसको आ छुट्टी नहीं तुम्हें। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं खेत, और यहाँ पर देख सकते हैं रास्ते के ऊपर सर पे झाड़ियाँ झाड़ियाँ लग रही हैं। ये हमारे गांव के महिला मंगल दल के लक्षण, चाहे उसमें मेरी माँ आती हो चाहे कोई भी आता हो, झाड़ियाँ ही नहीं काट रखी है पूरे रास्ते में, सर पे लग रही हैं। अब लोग बोलेंगे कि पहाड़ों में सब अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सब अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो जो खराब चीज़ें हो रही हैं वो कैसे दिखाएंगे, तो वो दिखाएंगे तभी तो सुधार होगा गाँव में। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ सोयाबीन के लिए खेत में, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है मेरी माता श्री किस खेत में है, और मैंने एक खेत में देखा वहाँ नहीं थी। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन मेरी माँ ने फ़ोन नहीं ले जा रखा है, फ़ोन घर ही पे है। और मैं जा रहा हूँ खेत के बीचों बीच से जहाँ सोयाबीन दालें हो रखी है, और यहाँ देखते हैं अगर यहाँ मिल गई तो ठीक है, दिख गई मेरे को अपनी माँ हो रही वहाँ पर। ए माँ ती बता के लेनी कि मैं आ जाए, मैं तो चौरा ढूंढने वा। अरे जब आते बताओ हमें छे मैं नींद में सोने नहीं हाल फटा बल बाद में लिखो ला अभी थोड़ा देर में
किले बाती होने हो तक क्या हमें बोटा तुम्हारा कान निकाट महिला मंगल दल क्या कर रही है किले पाखे बाट बोट छे वाह वाह छे तो बोट वे बाट तो पलत रहे बाट वहां चल जाने तमी दुबारा आण पड़ल मला चलता लगा दे तो दुबारा ते दाथुल किले मंगाते ते खाली में तुम क्या अंतर देख खपन ते आले पकड़ के लोड़ी में बटे नहीं काटे वहां महल्ला मंगल ला लाओ बेटे फोन पे नहीं आते क्या मैं बुलियाल भाई बहुत है नहीं आते सब बड़े चीज दिखोल तो खराब चीज नहीं दिखोल ना लोग सफाई कैसे करेंगे फिर प्रोग्रेस कैसे होगी गांव में फैल में बहुत लगा दे चट के वे बात तब व्योल में दोबारा ये धेर के दोस्तों मेरा सुवटा सोयाबीन का अब इसको उठाते हैं चलते हैं घर रिमोट होबला ये दो तीन लगा जय बद्री विशाल स्थिति ये है बाकी बाहर ही थोड़ा ना होने वो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी घर पे हमें यहां पर रख दिया है पसीने से मेरा हाल देख सकते हैं बहुत पसीना आ रखा है ती पता चाहे आने छुट्टी के लिए उन्हें पेपर चलाना नो दसाओ पेपर चाह इंग्लिश हो बोला तब तीन छुट्टी चाह हाँ पलतरा स्कूल आओ तब तीन छुट्टी प्राइमरी वहाँ हो ना तब नहीं छुट्टी क्योंकि ना इन उन्हें छुट्टी नहीं तो ना पेपर बोला सोलह बे इना पेपर तो बोला आज इना स्कूल में हाँ दोस्तों यहाँ पर रख के आप इसको करना है यहाँ पर खाली तो दोस्तों अभी मैं दूसरी बार फिर से फिर कार हूँ सोयाबीन लेने के लिए लेकिन उससे पहले अभी मैं बड़ी दरांती लेके आ गया हूँ इससे पहले मेरे पास छोटी दरांती थी तो जो ये रास्ता मैं झाड़ियाँ दिख रही है इसको साफ करूँगा क्योंकि जब मैं अभी थोड़ा देर पहले आ रहा था तो झाड़ियाँ बार बार लग रही थी और परेशानी हो रही थी सोयाबीन को ऊपर लाने में तो लोग तो कर नहीं रहे हैं शुरुआत में ही कर देता हूँ तो अगर हमारे गांव के ये वीडियो कोई भी देख रहा है तो महिला मंगल अध्यक्ष तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि ये रास्ता कैसा हो रखा है और इसे साफ करना है तो शुरुआत मैं ही कर देता हूँ तभी तो कोई दूसरा भी रास्ते को साफ करेगा रास्ता मेरे को ही नहीं चाहिए सबको चाहिए रास्ता तो करते हैं फिर झाड़ियाँ काटने की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर कर दिया मैंने रास्ता साफ अब थोड़ा बहुत नीचे में है झाड़ियाँ वहाँ करूँगा जितने मेरे से हो सकता है उतना मैं करूँगा बाकी लोग भी कर सकते हैं अगर वीडियो देखेंगे तो लोग भी करेंगे ज़रूर दोस्तों यहाँ पर के काटने के बाद मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है अब लोग गाली भी दे सकते हैं क्योंकि मैंने नीचे साइड को किया है जब सूख जाएगा तो मैं इसको जला दूंगा दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ खेत में दूसरा भाव लेने के लिए ये माँ आज तेरे बेटे ने पूरा रास्ता साफ कर दिया मोदी जी का सफाई अभियान का कार्यक्रम में इसे चला रहे स्पेशल बाकी लोग तो खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं तो बाकी लोग तो खाली फॉर्मेलिटी पूरी करना जो मोदी जी पर तो सफाई भी नहीं चला जी स्पेशल मैं फॉलो कर अरे मैं पूरा बोर्ड काट लो पूरा बोर्ड काट दिया तेरे फूफा तू बोर्ड मैं नहीं तो क्या होता सब गया था ना हो जा करा दियो तू रात भी नहीं लाल जी तो ते घा का काटे तो आपन छके लगे मैं तबे अच्छा ये तू लिखने के हो अब बोर्ड हां अच्छा मी का आता ओ ठीक है मैंने कौन तो कोई नहीं मैं बोल रहा मैं कर देता हूँ रास्ता साफ अब दे तो कद खतरनाक करे मैं डी पे धरे मैं आऊँ क्यों फरा है बिरा पूंगा किलो जना पूंगा सोनिया ना बाटा कौन सोना हुआ फरा मैं डी पे धरे हूँ
तू भी खेल लिया साहब है भी खेल याद क्या दोस्तों पहाड़ों में खतरनाक सीन होता है। खेतों में एक खेत में तीन चार दाने बोए जाते हैं ऐसे ये सोयाबीन इमें क्या चाहे है तोरा देशदा तोर देखो तीन दालें से खेत में और कौद में क्या क्या बोलता है लौका कौदा चूहा केदा भट्टा हाँ देखो मंडवे के साथ इतनी दाल है। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूँ मैं घर पे और ये वाला स्वेटर मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसको लाने में आफत आ गई, ये थोड़ा भारी था कि इसमें डंठल हरे ज़्यादा थे और पहले वाले में डंठल हरे कम थे, वो सूखा था तो हल्का हो रहा था, ये बहुत भारी हो रहा था। और अब चलता हूँ गौशाले की तरफ गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए। तो दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ मैं गौशाले में, यह है गौशाला, यहाँ बैल हैं उनके लिए है यहाँ पर घास, लेकिन उनको अभी घास नहीं दूंगा, अभी उनको ले जाऊंगा चरने के लिए खेतों में, पहले पिलाएंगे उनको पानी। और दोस्तों ये हैं हमारे दादाजी के बैल जो पिछले वीडियो में देखे हो, गांव के दादाजी हैं वो जा रखे हैं आजकल देहरादून, वो आजकल देहरादून हैं तो वो आएंगे हफ्ते 10 दिन में, उस समय तक उनको पानी पिलाना, घास देना और हल भी मैंने ही लगानी है, सारे काम मैंने करने हैं, इसलिए अभी इनको खेतों में चरने के लिए छोड़ देता हूँ। और दोस्तों यह है हमारी गौशाला, यहाँ भी मेरे को भैंस और अपने भैंस और अपनी सरुली को पानी पिलाना है और घास देना है। तो दोस्तों बैल यहाँ पर चर रहे हैं आराम से, 2 घंटे चराएंगे इनको, उसके बाद घास दे के इनको बांध देंगे। तो हमारे चाचा जी यहाँ पर लौकी के पीस निकाल रहे हैं, लौकी कोर रहे हैं बड़ी बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी बज चुका है 1 और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, 12 बजे मेरी माँ खेत से आई, उसके बाद नाश्ता बनाया, मैं बैलों को चराने चले गया था, अब करूँगा नाश्ता। 1 बजे लोगों का भात खाने का टाइम हो गया दिन का, तो करते हैं फिर नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ते में है वही हरी सब्जी चाय और रोटी। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ थराली, परी दादा का कॉल आया था और मैंने एक टी-शर्ट डाल के बस नीचे से ट्राउजर ही पहना है। दोस्तों अभी रुके हैं मलपुरा में और दादा जी खा रहे हैं यहाँ पर भात इस वाले होटल में यहाँ पर। दोस्तों अभी हम आए हैं तलवाड़ी में और कल है यहाँ मीटिंग, हाई कोर्ट के जज आ रहे हैं इधर, और यहाँ पर देख सकते हैं चूना भी बिक चुका है, दादा आए थे यहाँ देखने के लिए और यहाँ पर लगा दिया बैनर जिसमें लिखा जिला पंचायत चमोली और ऊपर तलवाड़ी स्कूल में है मीटिंग कल, इधर चल रही है तगड़ी सफाई। पहुंच चुके हैं तलवार जी के प्रधान जी के घर पे और आज रात हम यहीं रुकेंगे मैं और दादाजी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।